भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा पर निशाना साधा। उन्होंने आज जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर को प्रमुख प्रवक्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भारत को विखंडित करने वाले बयान देते हैं। विखंडित करने का, भारत को कमजोर करने का वक्तव्य देते हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बनाकर भारत को धमकाते हैं। उनका तात्पर्य है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके वो वोट प्राप्त करेंगे, इसलिए वो सैम पित्रोदा का काम में लेते हैं और पाकिस्तान को मजबूत बताकर भारत के अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी ओर करेंगे, इसके लिए वो मणिशंकर अय्यर का नाम लेते हैं और फिर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उनके बयानों से किनारा कर लेते हैं। हमारा कहना है कि इन दोनों का वक्तव्य कांग्रेस पार्टी का ही वक्तव्य है और एक कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा मेरा कहना है कि कल माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वो हताशा और खुन्नस से भरा हुआ वक्तव्य था। खुन्नस उनको इस बात की है कि उनका बेटा चुनाव हार रहा है और हताशा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान नहीं देकर रायबरेली फार्म बनाने जा रहे थे, उनको अमेठी भेज दिया। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में स्टेटमेंट दिया। उनको याद रखना चाहिए कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, इसलिए मोदी की गारंटी केवल एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की गारंटी है, ये मोदी जी बार बार कहते हैं।